हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमर। तो वेलकम टू माय चैनल फिल्म न्यूज एंड रिव्यूज। कुछ दिन पहले तो ये बात आप लोगों को पता ही चल चुका होगा कि शाहिद कपूर और अनीस बद्मी एक साथ एक फिल्म करने वाले थे, लेकिन उन दोनों में काफी अनबन हो गए। तो शूटिंग शुरू होने के 2-3 दिन पहले ये फिल्म बंद हो गया। पहले तो शाहिद कपूर इससे वॉकआउट कर गए, उसके बाद अनीस बद्मी ने तय किया कि ये फिल्म नहीं करेंगे। तो अल्टीमेटली सबसे ज्यादा नुकसान हुआ इस फिल्म का हीरोइन रश्मिका मंदाना और इसका प्रोड्यूसर दिल लजू, क्योंकि रश्मिका मंदाना का एक फिल्म छोड़ के ये फिल्म करने वाली थी, लेकिन ये फिल्म भी नहीं बना। और दिल लजू काफी नुकसान हुआ था उसकी भी, शायद क्या होगा पिछली फिल्म जो उन्होंने उनके प्रोड्यूस किया था। तो होपफुली ये मूवी उन्होंने चाहा कि करें, लेकिन शाहिद कपूर ने नहीं किया। तो शाहिद कपूर इस जो गैप अब हो गया है, ये शाहिद कपूर इस गैप में उनकी जो पिछले अगली फिल्म है वो आपका रोशन एंड्रू के साथ, वो फिल्म का शूटिंग इस जगह पे करेंगे। तो रोशन एंड्रू की फिल्म के बारे में एक एक्सक्लूसिव अपडेट में आप लोगों को इस वीडियो में दूंगा, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, जो लोग पहली बार मेरे चैनल को विजिट करें प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, रोशन एंड्रू की जो फिल्म है, ये फिल्म का शूटिंग दिसंबर में होने वाला था। तो शाहिद कपूर अब खाली है, जैसे मैंने कहा कि अनीस बद्मी की फिल्म नहीं कर रहा है, तो इसलिए ये फिल्म काफी आगे आ चुका है। अब इस फिल्म का शूटिंग सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर से स्टार्ट होगा और नेक्स्ट मतलब दिसंबर के अंदर ही ये फिल्म शूटिंग का कंप्लीट करने का उन लोगों का प्लान है। और नेक्स्ट ईयर मिड में यानी 2024 के मिडिल में ये फिल्म रिलीज करने वाला है। ऐसे तो शाहिद कपूर के साथ अनीस बद्मी की जो फिल्म है वो 29 मई नेक्स्ट ईयर रिलीज होने वाला था, यानी 29 मई 2024 को। तो हो सकता है कि ये मूवी जो है रोशन एंड्रू के साथ जो मूवी है, ये मूवी उस दिन को रिलीज कर जाए। रोशन एंड्रू एक्चुअली थ्रिलर बनाने में माहिर है और ये भी एक इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर है। और इस फिल्म में शाहिद कपूर एक इंस्पेक्टर का रोल कर रहा है और इसके लिए देखिए एक नया लुक लिया है उसने, छोटे छोटे बाल। और इस फिल्म में उनके ऑपोजिट में है आपका पूजा हेगड़े। पूजा हेगड़े के साथ शाहिद कपूर पहली बार काम कर रहा है। और रोशन एंड्रूज जैसे मैंने कहा कि एक इन आप कह सकते हैं एक रिनाउंड थ्रिलर मेकर है, डायरेक्टर है। तो उन्होंने इसके पहले नोटबुक, पुलिस मुंबई पुलिस, सैल्यूट जैसे फिल्म बनाए हैं मलयालम में और वो भी काफ़ी सुपर हिट रहा। तो होपफुली ये उनका जो डेब्यू है हिंदी में ये भी अच्छा रहेगा। ये फिल्म प्रोड्यूस कर रहा है आपका पिता वालन के हस्बैंड सिद्धांत राय कपूर और जी स्टूडियो जॉइंटली। और इसका राइटर है मतलब रोशन एंड्रू और शाहिद कपूर की फिल्म का राइटर है आपका बॉबी संजय और हुसैन दाना। तो ये मूवी आपका शाहिद कपूर के जो अपकमिंग फिल्म है जो 7 दिसंबर रिलीज होने वाला है कीर्ति सैनन के साथ, जो अभी तक टाइटल डिसाइड नहीं हुआ, जो मैडॉक फिल्म इसका प्रोड्यूस कर रहा है शाहिद कपूर का जो नेक्स्ट फिल्म है, और उसका डायरेक्टर है आपका अमित जोशी और आराधना शाह। इस फिल्म के रिलीज होने के बाद वो फिल्म रिलीज करेगा नेक्स्ट ईयर में। तो देखना ये मूवी कैसा होता है। जितना अभी तक स्टोरी पता चला है कि शाहिद कपूर इसमें एक पुलिस ऑफिसर है और यहाँ पे एक मर्डर हो जाता है और उसका वो इन्वेस्टिगेशन करता है। एक्चुअली ये भी एक थ्रिलर है। तो देखना यह कि किस तरह से शाहिद कपूर ये फिल्म करता है, और मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि किस तरह से ये रोल निभाता है और ये फिल्म कैसे बनता है। एक्चुअली मैं ये होपफुली ये सोच रहा हूँ कि शाहिद कपूर के साथ इस बार रोशन एंड्रू का कोई अनबन नहीं होगा, तो ये मूवी कंप्लीट होगा कम से कम, क्योंकि पिछली मूवी तो मतलब शुरू स्टार्टिंग होने के 2-3 दिन पहले ये अनबन हो गए थे दोनों में, तो ये मूवी नहीं हुआ, पिछली मूवी नहीं हुआ। तो होपफुली ये मूवी होगा। तो देखना ये मूवी कैसे बनता है। ये भी एक इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर है और थ्रिलर मूवी शाहिद कपूर ने पहले भी किया है और उसमें काफी कामयाब भी रहा, जैसे कमीना। कुछ दिन पहले उसकी जो फिल्म रिलीज हुआ था ब्लडी डैडी, वो भी एक थ्रिलर था, वो भी अच्छा चला। तो देखते हैं ये मूवी कैसे होता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और नए नए आप देखिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।